दोस्तों, अगर आप लोग भी शेयर मार्केट को लाइव देखना चाहते हो, किसी भी शेयर का आप चार्ट देखना चाहते हो, लाइव कैसे अप कर रहा है, कैसे डाउन कर रहा है, इसका कितना अप हुआ है, प्राइस कितना डाउन हुआ, सब कुछ आप देख सकते हो। बेसिकली मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से शेयर मार्केट को लाइव देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बताऊँगा यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन पर। ओके, आप लोग अगर डेस्कटॉप यूज़ करते हैं तो उस पर आप कैसे देख सकते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आप लोग मोबाइल के थ्रू कैसे चेक कर सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल में लैपटॉप पर बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको देखिए कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना होता है, बस आपको अपना जो है क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होता है। आप चाहे तो कोई सा भी अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, एंजल वन का, या फिर बहुत से अकाउंट्स मिल जाते हैं आप, किसी में भी ओपन कराएं, मैटर नहीं करता। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एंजल वन में अकाउंट को ओपन किया हूँ, तो यहाँ पर एंजल वन सर्च कर देता हूँ। आपने जिस किसी में भी ओपन किया आपको वो सर्च कर लेना। ओके, अभी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक फर्स्ट में वेबसाइट मिल रहा है एंजल वन का, ओपन एंजल वन डीमैट अकाउंट। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर देना है, जिस पर भी आपने बना के रखा है अपना जो अकाउंट, जहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर दिया था जौन सा वाला, वो आपको मोबाइल नंबर देना है। एंड आप लोगों को उस पर एक ओटीपी रिसीव होगा, वो आपको ओटीपी एंटर करना है, एंड यहाँ पर आप लोगों को कंटिन्यू कर देना। आप जैसे कंटिन्यू कर देंगे तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर जाएंगे, और मैं तो ऑलरेडी यहाँ पर इसमें लॉगिन कर चुका हूँ एक दो बार लैपटॉप में, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ पासवर्ड डालना है और यहाँ पर मैं लॉगिन कर पाऊँगा। डायरेक्ट अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ एंड यहाँ से जो है प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ, और मैं अपने अकाउंट में लॉगिन कर जाऊँगा। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको मोबाइल नंबर देना होगा, अदरवाइज आप एक दो बार कर चुके हैं तो आपको मोबाइल नंबर नहीं, डायरेक्ट आप अपने पासवर्ड से यहाँ पर कर सकते हैं लॉगिन। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे, वैसे ही आपको यहाँ पर जो रहेगा आपका चार्ट दिख जाएगा लाइव अपडेट होते हुए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ओके, और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर कई सारे आप देख सकते हो ये कंपनीज हैं यहाँ पे, आप किसका शेयर देखना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, बाय करना चाहते हो, सब कुछ आपको ऑल ओवर हर एक चीज़ मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको सब कुछ डीपली नहीं बताऊंगा, बिकॉज मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में, बस मैं आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसा अब आप लोग मान लीजिए यहाँ पर आपको निफ्टी का देखना है। ओके, निफ्टी का देखना है तो आपको निफ्टी पर इस तरह से करना है और क्लिक करना है। ओके, थोड़ा यहाँ पर ये लोडिंग लेगा चार्ट, लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके सामने लाइव अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा आपका चार्ट। थोड़ा सा वेट कर लेना है आपको, आपके नेट स्पीड पर डिपेंड करता है पूरा का पूरा। और आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये यहाँ पर चार्ट अभी पहुँचा है। ओके, चार्ट है, इसे आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ओके, इस पर मैंने क्लिक किया एंड यहाँ से मैं कैंडल्स पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए ये कुछ इस तरह से आ चुका है, बहुत से यहाँ पर मिल जाते हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चूज़ कर सकते हो। और मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पर इन्फॉर्म कर देता हूँ, जैसा कि यहाँ पर मार्केट सुबह ओपन होता है 9:15 पर। ओके, तो मार्केट ये यहाँ पर ओपन हुआ था 12 तारीख को 9:15 पर। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये इतना अप हुआ है, अप होने के बाद इतना डाउन आया, फिर थोड़ा अप हुआ, फिर डाउन हुआ, इस तरह से। इसके बारे में बात नहीं करूँगा मैं, बस आपको ये लाइव चार्ट दिखा रहा हूँ। ओके, अब मान लीजिए आप किसी और कंपनी का देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप चाहो तो सर्च कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर डायरेक्ट कोई भी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, कोई सी भी एक कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर HDFC बैंक का कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, अभी इसका लोड होके आ जाएगा पूरा, यहाँ पर आ चुका है। आप लोग देख सकते हो इसका परफॉर्मेंस क्या है, ये यहाँ पर ओपन हुआ था 9:15 पर, और यहाँ पर अभी ये इतना पहुँच रहा है। ओके, यहाँ पर ये एक न्यू कैंडल बन रहा है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। देखिएगा, बहुत से लोग क्या होता है कि यहाँ पर आते हैं बट उन्हें यहाँ पर लाइव चार्ट अपडेट होते हुए नहीं दिखाई देता है, तो उनके साथ ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसका रीज़न एक है, क्योंकि आप अगर संडे को देखोगे या फिर आप लोग सैटरडे को देखोगे तो यहाँ पर मार्केट क्लोज रहता है इन 2 दिनों में। अगर आप सैटरडे या फिर संडे को यहाँ पर ये देखोगे तो आपको लाइव अपडेट होते हुए नहीं दिखेगा, बिकॉज़ आप लोगों को पता है संडे और सैटरडे को मार्केट क्लोज रहता है। अगर आप मंडे को देखेंगे तो मंडे से ये स्टार्ट हो जाता है मार्केट, तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान देनी है। आप अगर संडे या सैटरडे को देख रहे हैं तो आपको ये लाइव मार्केट नहीं दिखाई देगी। तो आई थिंक दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और हमारे इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।